हेलो दोस्तों, मैं संजू मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पार्ट एक में सलमान खान की साल 1988 से साल 2000 तक की सभी मूवी वर्डक्ट के बारे में जाना था। आज हम पार्ट दो में सलमान खान की 2001 से 2023 तक की सभी मूवी वर्डक्ट के बारे में जानेंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। सलमान खान की अगली मूवी साल 2001 में चोरी चोरी चुपके चुपके आई, जिसका बजट था 13 करोड़ और कलेक्शन था 37 करोड़ और इस मूवी को हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2002 में तुमको ना भूल पाएंगे आई, जिसका बजट था 11 करोड़ और कलेक्शन था 20 करोड़ और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2002 में हम तुम्हारे हैं सनम आई, जिसका बजट था 12 करोड़ और कलेक्शन था 35 करोड़ और इस मूवी का हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2002 में ये है जलवा आई, जिसका बजट था 8 करोड़ और कलेक्शन था 11 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2003 में तेरे नाम आई, जिसका बजट था 25 करोड़ और कलेक्शन था 38 करोड़ और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2003 में बागवान आई, जिसका बजट था 10 करोड़ और कलेक्शन था 43 करोड़ और इस मूवी को हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2004 में गर्व आई, जिसका बजट था 17 करोड़ और कलेक्शन था 24 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2004 में मुझसे शादी करोगी आई, जिसका बजट था 19 करोड़ और कलेक्शन था 56 करोड़ और इस मूवी को हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2004 में फिर मिलेंगे आई, जिसका बजट था 6 करोड़ और कलेक्शन था 6 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2004 में दिल ने जिसे अपना कहा आई, जिसका बजट था 11 करोड़ और कलेक्शन था 14 करोड़ और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2005 में लकी नो टाइम फॉर लव आई, जिसका बजट था 14 करोड़ और कलेक्शन था 28 करोड़ और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2005 में मैंने प्यार क्यों किया आई, जिसका बजट था 15 करोड़ और कलेक्शन था 48 करोड़ और इस मूवी को हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2005 में नो एंट्री आई, जिसका बजट था 24 करोड़ और कलेक्शन था 74 करोड़ और इस मूवी को सुपर हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2005 में क्योंकि आई, जिसका बजट था 21 करोड़ और कलेक्शन था 23 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2006 में शादी करके फंस गया आई, जिसका बजट था 11 करोड़ और कलेक्शन था 5 करोड़ और इस मूवी को डिजास्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2006 में बाबुल आई, जिसका बजट था 26 करोड़ और कलेक्शन था 39 करोड़ और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2006 में जाने मन आई, जिसका बजट था 40 करोड़ और कलेक्शन था 46 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2007 में सलामे इश्क आई, जिसका बजट था 43 करोड़ और कलेक्शन था 52 करोड़ और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2007 में पार्टन आई, जिसका बजट था 28 करोड़ और कलेक्शन था 100 करोड़ और इस मूवी को सुपरहिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2007 में मारी गोल्ड आई, जिसका बजट था 19 करोड़ और कलेक्शन था 33 करोड़ और इस मूवी को डिजास्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2007 में सवारियां आई, जिसका बजट था 45 करोड़ और कलेक्शन था 39 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2007 में गॉट टू सी ग्रेट हो आई, जिसका बजट था 21 करोड़ और कलेक्शन था 20 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2008 में हीरो आई, जिसका बजट था 18 करोड़ और कलेक्शन था 26 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था।
सलमान खान की अगली मूवी साल 2008 में युवराज आई, जिसका बजट था 48 करोड़ और कलेक्शन था 31 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2009 में वांटेड आई, जिसका बजट था 52 करोड़ और कलेक्शन था 92 करोड़ और इस मूवी को सुपरहिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2009 में मैं और मिसेज खन्ना आई, जिसका बजट था 38 करोड़ और कलेक्शन था 15 करोड़ और इस मूवी को डिजास्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2009 में लंदन ड्रीम्स आई, जिसका बजट था 45 करोड़ और कलेक्शन था 41 करोड़ और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2010 में वीर आई, जिसका बजट था 48 करोड़ और कलेक्शन था 64 करोड़ और इस मूवी को सेमी हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2010 में दबंग आई, जिसका बजट था 41 करोड़ और कलेक्शन था 221 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2011 में रेडी आई, जिसका बजट था 30 करोड़ और कलेक्शन था 180 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2011 में बॉडीगार्ड आई, जिसका बजट था 60 करोड़ और कलेक्शन था 234 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2012 में एक था टाइगर आई, जिसका बजट था 75 करोड़ और कलेक्शन था 334 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2012 में दबंग 2 आई, जिसका बजट था 50 करोड़ और कलेक्शन था 253 करोड़ और इस मूवी को सुपरहिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2014 में जय हो आई, जिसका बजट था 65 करोड़ और कलेक्शन था 195 करोड़ और इस मूवी को सुपरहिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2014 में किक आई, जिसका बजट था 140 करोड़ और कलेक्शन था 410 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2015 में बजरंगी भाईजान आई, जिसका बजट था 75 करोड़ और कलेक्शन था 969 करोड़ और इस मूवी को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2015 में प्रेम रतन धन पायो आई, जिसका बजट था 60 करोड़ और कलेक्शन था 432 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2016 में सुल्तान आई, जिसका बजट था 90 करोड़ और कलेक्शन था 623 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2017 में ट्यूबलाइट आई, जिसका बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन था 212 करोड़ और इस मूवी को हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2017 में टाइगर जिंदा है आई, जिसका बजट था 150 करोड़ और कलेक्शन था 565 करोड़ और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2018 में रेस थ्री आई, जिसका बजट था 150 करोड़ और कलेक्शन था 300 करोड़ और इस मूवी को सुपरहिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2019 में भारत आई, जिसका बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन था 325 करोड़ और इस मूवी को हिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2019 में दबंग थ्री आई, जिसका बजट था 150 करोड़ और कलेक्शन था 230 करोड़ और इस मूवी को सुपरहिट का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2021 में राधे आई, जिसका बजट था 90 करोड़ और कलेक्शन था 18 करोड़ और इस मूवी को डिजास्टर का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2021 में अंतिम आई, जिसका बजट था 35 करोड़ और कलेक्शन था 59 करोड़ और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2022 में गॉडफादर आई, जिसका बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन था 150 करोड़ और इस मूवी को एवरेज का टैग मिला था। सलमान खान की अगली मूवी साल 2023 में किसी का भाई किसी की जान आई, जिसका बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन था 180 करोड़ और यहां मूवी को अब तक एवरेज का टैग मिला है। सलमान खान की अगली अपकमिंग मूवी साल 2023 में टाइगर थ्री आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।